गुड इवनिंग एवरीबॉडी, जो डिस्कस एंड अर्चना जी आते हैं, इट्स एन ऑनर प्रिविलेज एंड आई फील रियली एलेटेड, वेरी हैप्पी see all of you here, especially also all of us standing here on the dais. Baki, itni khushi ho rahi hai. Mujhe pehli baar to bharosa nahi ho raha. Swagat, bahut bahut swagat, nahi nahi, bahut swagat Sunil Pal ji ka. Ke waqai mujhe inhone front page pe shamil kar diya hai, meri photo lagayi hai. Mujhe to vishwas nahi ho raha ki waqai ye hai ki main jab dekhunga to shayad mujhe tasalli ho jayegi. क्योंकि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मेरी फ़ोटो ऐसे आए, लेकिन राजेश जी का और आप सबका, जितने यहाँ पे आए हैं, जो टीम है इनकी, उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे काबिल समझा, कि मैं काबिल नहीं हूँ लेकिन इनके नज़रों में काबिल समझा और मुझे ये मौका दिया है. और ये मैं इनके फंक्शन में आता रहा हूँ. राजेश के साथ मेरा है 2-3 साल से संबंध हुआ है, लेकिन इतना प्यारा बंदा है ये कि ये और इसकी वाइफ जो है और इसके बच्चे, और मुझे लगता ही नहीं कि मैं कोई बाहर के बंदे को मिल रहा हूँ, ऐसा लगता है फैमिली. हाँ, इनको आ जाए, स्टेज पे आ जाए. राजेश की वाइफ कहाँ है, उनको बुलाए आगे. मैम बड़ी खुश है, आए आए, वो खुश है. ये आपको देख के बहुत खुश है. तो वाकई ये बड़ा ही खुशी का मौका है. मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि ऐसा मौका मेरी ज़िंदगी में आया है. और राजेश की मैं बात कर रहा था, बड़ा ही प्यारा मिलनसार, और मैं बुरा नहीं मानना, मैं कोई किसी की बड़ाई या बुराई नहीं कर रहा, पर बड़ा ही एक डाउन टू अर्थ और रीज़नेबल बंदा है. तो मैं समझता हूँ कि भगवान वाहेगुरु अल्लाह ताला ईश्वर माता रानी इसके जो सपने हैं इसको पूरा करें, और ऐसे ही फिल्म की इंडस्ट्री की जो सेवा कर रहे हैं, सेवा करते रहे, मेरे इनको ये शुभकामनाएँ और बहुत बहुत एक गुड विशेज है. बाकी सिमरन जी, कल फ़ोन किया मैंने इनको, बड़े ही, मतलब इनका भी स्वभाव इतना मिलनसार है, इतने हंसते खेलते रहते हैं, सेम फेस हमेशा इनके मुँह पर स्माइल रहता है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है. मैं समझता हूँ इंसान को दुख तकलीफ स्ट्रेस हर एक इंसान को है, गरीब है, अमीर है, छोटा है, बड़ा है, कोई भी धर्म कौम का है, कोई भी देश का है, लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट लाना, मैं ये समझता हूँ, मेरी अपनी पर्सनल एक एक्सपीरियंस है कि चेहरे पे रौनक लाके, जो रौनक जिसके चेहरे पे होती है ना, जिसके चेहरे पे नूर होता है, उसको देख के हमारी सामने वाले की जो टेंशन है, जो परेशानी है, वो बहुत कम हो जाती है. ये आप आजमा के देखें, दिस इज पर्सनल एक्सपीरियंस. And to be very honest, you know, people with a little dull face and not a smiling face, मुझे देखता हूँ तो थोड़ा मैं फिर अपनी तरफ से कुछ हंसी मजाक की बात करके और उनको जरा माहौल चेंज कर लेता हूँ. बड़ी अच्छी बात. सुनील पाल एवरी टाइम. वाह वाह सुनील जी की. एंड मैं सुनील जी की बात करूँ, साथ शरीक होते हैं हमारे, कंधे से कंधा मिला के इस मैगजीन के साथ और हमारी टीम के साथ खड़े होते हैं. मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ. अर्चना जी, ध्रुव जी, राम जी, और यहाँ पे हैं सुहानी ना, सुहानी जी, एंड माय फ्रेंड एंड बिजनेस पार्टनर भितिराम पुरोहित, और बाकी जो हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ. मैं एसोसिएट विद ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट, जो मिस्टर एम एस बिट्टा है, मेरे भाई हैं, तो आई एम द मुंबई प्रेसिडेंट ऑफ दैट ऑल्सो, कपड़ा मार्केट की सेवा कर रहा हूँ. और ये मैं वाहेगुरु से, परमात्मा से, भगवान से, माता रानी के चरणों में अरदास करता हूँ कि जितना अच्छा काम हो सके मेरे हाथों से वो कराएं और दुनिया की सेवा के लिए, क्योंकि आज जैसे बताया, नानक दुखिया सब संसार, ये हमारी वाणी में आता है. सिमरन जी को बताएगा और भी लोगों को कि दुख हर जगह है, नानक दुखिया सब संसार. तो जिसको हम सुख दे सके अपनी खुशी से, पैसों से, उनके साथ मिल के, उनकी खुशी में, उनके दुख में शरीक होके, और दुख को अगर सुख में कन्वर्ट कर सके, तो इससे बड़ी बात नहीं होती है, ये भगवान के दरगाह में ये कबूल होती है. तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपके बेस्ट विशेष मेरे साथ है. आपका सबको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया. जय हिंद, वंदे मातरम. का स्वागत करता हूँ मेरे मीडिया के भाई
प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो भी गेस्ट हैं सबका स्वागत है। और मेरे छोटे भाई राजेश श्रीवास्तव जी के साथ मैं बरसों से जुड़ा हुआ हूँ। फिल्म स्टूडियो जो मैगजीन है इस परिवार के साथ भी बहुत बरसों से जुड़ा हुआ हूँ। और जैसा कि आहूजा जी ने कहा कि ये एक परिवार है, इट्स अ फैमिली, फिल्म स्टूडियो फैमिली है। तो जहाँ भी ये कोई खुशी का मौका होता है, कोई ऐसा फंक्शन होता है, तो मैं ज़रूर टाइम निकाल के हाजिर होता हूँ। और आज बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आहूजा जी का कवर पेज ये फिल्म स्टूडियो के ऊपर, इट्स अ बहुत बहुत बड़ी बात है। और ये डिज़र्व करते हैं, ऐसा नहीं है, ये डिज़र्व करते हैं उस फ्रंट पेज के लिए। तो राजेश जी का भी धन्यवाद कि उन्होंने आहूजा जी को सम्मान दिया। और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, राजेश श्रीवास्तव जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, फिल्म स्टूडियो परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। At the count of five, we do the unwheeling. Let's start with it. Simran ma'am. Huh? Balas. Chaliye. We start the unwheeling. Five, four, three, two, one. Hearty, hearty congratulations to Mr. Ahuja Sir for being on the cover page of Films Today magazine. Let us all take a look at the cover page of the present issue of Films Today. And ladies and gentlemen, let me remind you, Films Today has gone and you can watch Films Today as an e-magazine. Wow, we're going to have one book for everyone. Hello, sir. Hearty, hearty congratulations to all of you, to Mr. Rajesh Srivastava for having Mr. Ahuja on the cover page. And all the cover page says is special conversation with S.P. Ahuja, associate. Wow. Wearing almost a similar dress, the Indian look here, but it's black and red, so that's your favorite combination, I must say. And yeah, muskurate, hoi hoi, ki gala, let's dance together for this brand launch, ladies and gentlemen. I thank each and every one of you. Sweetheart, we need you here. Who? You. Just come here, truly an honor having you here. You came at the right time. Yes, वाकई अब मुझे लग रहा है कि ये वाकई हकीकत है और सपना नहीं है। फोटो देखिए अपनी, तसल्ली हो गई। हाँ, मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो कामयाब हो गया है, हो रहा है, हो गया है। तो फिर से मैं आई रियली फ्रॉम द बॉटम ऑफ सो बिजी आई एम। हमारे बीच में हमारे बाबू भाई जी हैं, इंपा से सचिन हैं, तो मैं चाहता हूँ सर दो शब्द कहिए प्लीज़। योर पर्सन्स, मैं आप सबको वेलकम करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ, क्योंकि मैं ये फिल्म टुडे मैगजीन का अपने आप को एक हिस्सा मानता हूँ, इसलिए उनकी तरफ से, क्योंकि राजेश भाई हैं। राजेश जी सेल्फ मेड इंसान हैं और अपनी मेहनत, अपनी लगन से यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इनके लिए शेर है कि बढ़ के खुद मंजिल कदम चूम लेती है, बढ़ के खुद मंजिल कदम चूम लेती है, शर्त इतनी है मुसाफिर हिम्मत न हारे। तो ये राजेश भाई के लिए। और एसपी आहूजा साहब के लिए एक शेर याद आ गया मुझे कि पत्थर के जिगर वालों हम में वो रवानी है, पत्थर के जिगर वालों हम में वो रवानी है, खुद राह बना लेगा बहता हुआ पानी है। तो ये अपनी राह खुद बना रहे हैं आहूजा साहब, कांग्रेचुलेशन, थैंक यू। निवेदन करूंगा कि मैं भैया की आवाज का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ पर्सनल भी। इनका एक सुपर डुपर गाने सारे हिट है, एक सुपर डुपर हिट गाना इनका रहा जो मैं अक्सर मेरी वाइफ से पूछो, कभी मैं रात के मेरे लगाते बोले क्या हो गया, मैं भैया गाना सुन रहा हूँ। जरूर आपका हुक्म सर आंखों पे मेरे भाई। यारो सब दुआ करो, मिल के फरियाद करो, दिल जो चला गया है उसे आबाद करो। यारो तुम मेरा, यारो तुम इनका साथ दो जरा, तुझे देखा सांसे मुझे आती अब कम, धड़कने रुक गई निकले ना दम, खुदा सोने मुखड़े बनाता है जी कम, मर मिटे तुझ पर भूल गए हम,
दिल गया ले गया सनम, तुझे देखा सांसे मुझे आती अब कम, धड़कने रुक गई निकले ना दम. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. I want to thank each and every one of you. Nikesh, what happened? Yaar, soch mein pad gaye. You know, aap jahan par jaate. I didn't want to sing Senorita or Lele Mazale because this is not the song. We want you to come here, please. अरे ऐसे करो कि समझ में भी आए. जाना चाहूंगा क्या कहना चाहेंगे फिल्म शूटिंग कवर पेज पे आप आ जाए हैं और बहुत ही जेन्युइन रीजन है, काफी सामाजिक कार्य करते हैं, बिजनेस है आपका, क्या कहना चाहेंगे इस उपलब्धि के लिए? राजेश जी के बारे में क्या कहना चाहूंगा जिन्होंने निकाला है ये एल्बम कवर पेज आपका? सबसे पहली बात तो जैसे मैंने पहले भी कहा है कि मैं इस प्यार का जो हूँ मैं हकदार तो नहीं हूँ, काबिल नहीं हूँ, लेकिन जो राजेश जी ने और इनकी टीम ने जो मुझे मान सम्मान दिया है मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ कि फिल्म्स टुडे के मार्च के जो एडिशन की है उस पर मुझे उन्होंने फ्रंट पेज पे शो किया है और अंदर मेरा आर्टिकल भी दिया है, बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स दी हैं. तो एक खुशी होती है, हम किसी मकसद के लिए या किसी को रिज़ल्ट के लिए कोई मेडल के लिए अवार्ड के लिए काम नहीं करते, क्योंकि एक सोशल सर्विस है, एक समाज की सेवा है. जो हमारा ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट है वो हम जितने शहीद परिवार हैं वो CISF के हों, आर्मी के हों, एयरफोर्स के हों या इवन पुलिस के हों, हम मुंबई पुलिस का भी उतना ही, महाराष्ट्र पुलिस का भी उतना ही ध्यान रखते हैं उनके परिवारों का, क्योंकि ये जो सेवा है देश की, जो सेवा ये लोग करते हैं ये हमारे आपके लिए कर रहे हैं. आज 50 डिग्री 60 डिग्री टेम्परेचर गर्मी में और -20-25 डिग्री सर्दियों में जो ये सेवा करते हैं वहाँ पे बॉर्डर पर रह के, तो वो उनकी बदौलत, उनकी मेहनत, उनकी जो देशभक्ति है उसकी वजह से हम यहाँ पे खुली सांस ले सकते हैं. हमारा जो हमको आज़ादी मिली है 1947 में वो हमको याद रखना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से, उनकी खून की मेहनत से, उनके खून बहाने के बाद ये हमको आज़ादी मिली है. आज़ादी को हमने संभालना है, उसको बरकरार रखना है. तो इसके लिए जो वो ड्यूटी कर रहे हैं वहाँ पर हमारी सुरक्षा के लिए, हम चैन की नींद सो सकें, हम अपना कारोबार कर सकें, बच्चों को संभाल सकें, पढ़ा सकें, खुद पढ़ सकें और बिज़नेस कर सकें. तो मैं काबिल समझता नहीं फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया फिर से करता हूँ कि इन्होंने मुझे इस काबिल समझा और फ्रंट पेज पे दिखाया. और मैं ये इनको वादा करता हूँ, आप सभी को, दर्शकों को वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इससे अभी मुझे एक 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 इंस्पिरेशन मिली है, एक पीठ पे एक थापी मिली है कि आप ये काम कर रहे हैं. मुझे पता नहीं था लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ, ये वादा करता हूँ कि मैं और इससे ज़्यादा जो भी समाज की सेवा हो सकेगी, जिसमें गरीब लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, जो जिनके माता पिता उनको छोड़ देते हैं और उनको सड़क पे फेंक देते हैं उठा के, तो उनके लिए भी हमें करें. एक्चुअली हमने ना मेरे फादर के नाम पे श्री सुरजन सिंह आहूजा चैरिटेबल ट्रस्ट एक बनाया है, अभी हाल ही में लॉन्च किया है उसको. तो उस ट्रस्ट के हिसाब से हमारी फैमिली का ट्रस्ट है, हमने पीछे 2 एम्बुलेंसेस अक्टूबर में 2018 में एनिमल्स के लिए, जो जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, जो बोल नहीं सकते, अपना दुख दर्द बांट नहीं सकते, बता नहीं सकते, तो उनके लिए हमने एक लेटेस्ट जो है एयर कंडीशनड एम्बुलेंसेस हमारी फैमिली ने अक्टूबर में डोनेट की थी. तो जो अच्छे से अच्छा काम हो सकेगा तन मन धन से, सब काम धन से नहीं होता, सब काम तन से नहीं होता, काम करने के लिए पैसा भी लगता है. तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे फैमिली की तरफ से जो भी हम इसको हेल्प कर सकें, जिसमें पशु पक्षी भी हैं, इंसान भी हैं, और जैसे मैंने बताया गरीब लड़कियों की शादी होती है तो उसके लिए भी हमने हमारी संस्था जो है वो हम उनको हेल्प करते हैं, बुज़ुर्गों की हेल्प करने की कोशिश करते हैं. तो मैं ये वादा करता हूँ कि जो ज़्यादा से ज़्यादा सेवा समाज के लिए हो सके कि हम करेंगे, हमारा परिवार करेगा. मिथिला पुरोहित भी जो मेरी फ्रेंड भी हैं, मेरे बिजनेस पार्टनर भी हैं, हमने एक ऐसे प्रोग्राम बनाया कि NGO हम खोलना चाहते हैं जिसके अंदर निष्काम सेवा हो, सेल्फलेस सेवा समाज के लिए हम कर सकें. तो इसमें आपकी भी हमको मदद चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, मदद आपके आशीर्वाद के रूप में चाहिए, हमको और कोई मदद नहीं चाहिए, आशीर्वाद आपके गुड विशेज़ आपकी ब्लेसिंग चाहिए और माता रानी वाहिगुरु की, भगवान की, अल्लाह ताला की कृपा चाहिए कि हम ये काम कर सकें और समाज में जितना से ज़्यादा हो सके, क्योंकि हमारा एक फ़र्ज़ है. मैं कोई एहसान नहीं करूँगा, हम नहीं करेंगे, ना मिथिला करेगी ना मैं करूँगा, ये तो हमारी ड्यूटी बनती है, हमारा फ़र्ज़ बनता है समाज के प्रति. अगर भगवान ने हमको एक ताकत दी है, शक्ति दी है, तो उसका हम मिल बांट के उसका उपयोग करें, यही मेरी सोच है. तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म हमको मिल गया है बड़ा. और राजेश जी के बारे में तो मैं क्या कहूँ कि इनका जो स्वभाव, इनका जो इनकी अप्रोच है लाइफ में बड़ी जेन्युइन है. अप्रोच जेन्युइन होना और अप्रोच होने में फ़र्क है.
बड़ी जेन्युइन है, बड़ी ऑनेस्टी है और मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ भगवान के चरणों में, वाहेगुरु के चरणों में अरदास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि इनको ऐसे अच्छी सेहत दे और ऐसी सोच इनकी बनाए रखे कि समाज की सेवा, फिल्म इंडस्ट्री की सेवा, सोशल वर्क जो है कर रहे हैं करते रहे। सबसे बड़ा धन्यवाद तो मैं आप प्रेस का देता हूँ कि आप लोग इतने दूर दूर से आके और ये आपने इतना कवरेज आप कर रहे हैं, आपने भी अपना टाइम लगाया है, यहाँ पे आए हैं हमारे साथ मिलके ये जश्न मना रहे हैं। मैं प्रेस का भी धन्यवाद करता हूँ, वो जितने मेरे हमारे गेस्ट यहाँ पे आए हैं हमारे साथ शरीक हुए हैं, हमारे साथ जुड़ के ये जश्न ये इवेंट बना रहे हैं, तो मैं इस इवेंट पे जो आप लोग आए हैं उसका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं एसपी की बात करती हूँ, ये बहुत ही मतलब लोगों के बारे में बहुत सोचते हैं, सबके बारे में, चाहे वो अपना है चाहे पराया है। इवन लोग तो हैं, जैसे उन्होंने बताया एम्बुलेंसेस दी थी जो जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए थी, तो ये बहुत अच्छी बात है और ऐसा सबके मन में होना चाहिए। और मैं तो इनसे ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे ही आगे भी सबके साथ करते रहिए और मुझे भी अपने काम में अपने साथ शामिल कीजिए कि मैं भी लोगों की थोड़ी बहुत सेवा कर सकूँ आपके साथ मिलके। सर ये भी जानना चाहूँगा कि बिजनेस क्लास से हैं, क्या कहना चाहेंगे कि जो बिजनेस क्लास के लोगों से प्रॉफिट कमाना मेन मकसद होता है, लेकिन आपसे कितना प्रेरणा मिलती है लोगों को, अभी अकाउंट पेज पे आया है, तो क्या कहना चाहेंगे, कितना जरूरी होता है कि सामाजिक जिम्मेदारी उसको भी निभाना। मैं ये समझता हूँ जैसे इंसान के लिए जीने के लिए खाना पीना, हवा, श्वास इम्पॉर्टेंट है, नींद इम्पॉर्टेंट है, तो उसी तरीके से दुनिया की सेवा करना भी एक इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये सेवा यहाँ पर नहीं लिखी जाती, उसकी दरगाह में लिखी जाती है। तो अगर उसका आपको आशीर्वाद चाहिए, उसके चरणों में, उसके चरणों का आपको सुख लेना है, सुख लेना है उनका, ये इसी जन्म में नहीं अगले जन्म में भी उसका अगर आपने फ़ायदा उठाना है, उसका आपको फल लेना है, तो ये आप जितनी सेवा करेंगे मेरे हिसाब से इंडस्ट्री बिजनेस, ये सिर्फ ठीक है हमारी भगवान की कृपा से इंडस्ट्री है, हमारे कपड़े की मिले हैं, हम वहाँ भी काम करते हैं, लेकिन जो हमको प्रॉफिट आता है ये प्रॉफिट कोई हमारी मेरी मेहनत का या मेरी समझ का नहीं है, ये आप लोगों के जो मेरे वहाँ वर्कर काम करते हैं उनके पैरों की बदौलत से, उनकी किस्मत से शायद मुझे मिलता होगा, मुझे नहीं पता कि मुझे भगवान किस रूप से दे रहा है, तो मेरा ये फ़र्ज़ बन जाता है मैं बोलूँ कि मैं बड़ा होशियार हूँ, मैं बड़ा समझदार हूँ, मैं बड़ा ताकतवर हूँ, ये सिर्फ बोलने की बातें होती है, आदमी को एक श्वास का पता नहीं होता। तो ये जो इंडस्ट्री जो मैं हम चला रहे हैं, हमारी फैक्ट्रीज हैं पूना में है, सूरत में है, डोंबिवली में है, दिल्ली में है, तो ये जो ये चीज़ वहाँ बनती है, प्रॉफिट मिलता है, हम कोशिश करते हैं प्रॉफिट के साथ, क्योंकि जो दसवंत होता है उसमें से ये दान पुण्य करना, सेवा करना बहुत ज़रूरी है, तो हम कोशिश ये करते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कि हमें सेवा करें, और ये सेवा हम अपने लिए करनी है, हमको समाज के लिए करनी है और हमको भगवान का आशीर्वाद देने के लिए करनी है, ये अगर सोच होगी तो मैं समझता हूँ। मैं बाकी लोगों से भी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप लोग भी, इस नॉट ओनली बिजनेस इंडस्ट्री, अगर आप नौकरी भी कर रहे हैं, कोई प्रोफेशन भी कर रहे हैं, अगर आपकी पगार 50,000 है उसमें अगर 2,000 रुपये का अच्छा काम कर सकते हैं तो मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी बात रहेगी। तो मैं फिर से ये आप लोगों से निवेदन करूँगा और अपना पूरा योगदान जो हो सके समाज को दें, अपने देश को दें, अपने धर्म को दें, अपने परिवार को दें, अपनी सोसाइटी को दें और आपके जो मोहल्ले जहाँ आप रहते हैं उधर भी जो काम हो सकता है आप सेवा करें, वही भगवान की सेवा मेरे हिसाब से। राजेश जी, आपसे हम क्या कहना चाहेंगे, औजार सर एक एंटरप्रेन्योर है, एक फिल्मिस्ट है, कितना जरूरी है इस तरह के लोगों को हाईलाइट करना मीडिया के माध्यम से, पब्लिक फिल्म मैगजीन में जहां पे सिर्फ सेलिब्रिटीज का कवर पेज होता है, या फिर एक्टर रहे, एक्ट्रेस रहे, या फिर डायरेक्टर रहे। देखिए गत वर्षों में, अभी 12 साल हमारे पत्रिका को पूरे हो चुके हैं, इन 12 वर्षों में हमारे मैगजीन के कवर पे फिल्म स्टार रहे हैं, टीवी स्टार भी रहे हैं, और 12 साल से काम करते करते लोगों से मैंने देखा कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग बहुत प्यारे हैं, ऐसा नहीं, बहुत प्यारे लोग हैं, काम करते हैं, सोशल करते हैं, सब काम कर रहे हैं। उसके बावजूद जब मैं इंडस्ट्री के बाहर लोगों से मिलता था, जैसे इनकम टैक्स ऑफिसरों से मिलता था, कस्टम वालों से मिलता हूँ, सोशल वर्क बिजनेसमैन से मिलता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि बोलो कितना काम करते हैं, इतना काम करते हैं लेकिन समाज में गाते नहीं हैं, लेकिन गाने वालों से चाहिए ना कोई। जब किसी के बारे में आज औजा सर काम इतना कर रहे हैं, इनका कोई भी कहीं पब्लिसिटी नहीं करते हैं, अगर जो भी कहीं दान पुण्य कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कपड़ों का भी पैसा बांट रहे हैं, कभी किसी को नहीं बता रहे हैं, लेकिन मैं इनके बारे में इसलिए बताऊँगा कि इनके बारे में अगर मैं बताऊँगा दूसरा उनसे प्रेरित होगा,
तो हमारा मकसद ये इतना है कि फिल्म इंडस्ट्री हमारी जो मैगजीन है ये मेरा एक माध्यम है लोगों को प्रमोट करने के लिए। औजा सर ने मुझसे नहीं बोला कि आप कवर पेज पे लाइए, मैं इनके पास चार बार गया सर कवर पेज करना, अरे क्या मेरा क्या करना, हमने नहीं सर आपको कवर पेज पे करूँगा तो चार लोग उससे प्रेरित होकर काम करेंगे, वो जरूरी नहीं मेरे कवर पेज आना चाहेंगे, वो चाहेंगे कि हम अच्छा काम करें और जब व्यक्ति कोई अच्छा काम करता है समाज आगे बढ़ता है। एक व्यक्ति का काम पूरा, जैसे मैं हूँ आज अगर हम रोड पे थोड़ा सा कचरा पड़ा साइड में कर दिया तो वहीं से भारत सुधर गया। एक व्यक्ति अगर एक अपना काम जिम्मेदारी पूरी कर ले तो सारा देश एक दिन अमेरिका लंदन सफेद हो जाएगा सामने। आज हम महाशक्ति हैं लेकिन हम समझ नहीं रहे, तो हमने क्या किया कि वही हमने अपने ध्येय मेरा है कि अभी लास्ट टाइम जैसे हमने कस्टम कमिश्नर का किया था, तो ऐसे ऐसे अधिकारियों को ऐसे ऐसे सोशल वर्कर को ऐसे ऐसे लोगों को मैं कवर पे लाना चाहता हूँ कि समाज उनसे प्रेरित हो, लोग प्रेरणा लें और अच्छा काम करें, ये मेरी एक सोच है, बस इतना चाह रहा हूँ। और आने वाले समय में मैं चाहता हूँ कि लोग एकजुट होकर काम करें और सारा देश अच्छे तरीके से काम करें। बाकी जहाँ तक राजी होने का सवाल है, राजी तो मैं अभी भी नहीं था लेकिन दो तीन चार बार आए और इनका जो प्यार है इन्होंने जिस तरीके से बताया मुझे, मुझे जैसे इन्होंने बताया कि जो आपके सोशल काम है थोड़े से आप दुनिया को बताए कि बाकी जैसे बता रहे थे कि लोग प्रेरित हो, तो वो मुझे माइंड में आया। फिर मैंने मिथिला जी से बात की भाई ऐसे विचार है कैसे करना है, तो आपस में सलाह करके हमने ये डिसीजन लिया तो भाई ठीक है करते हैं। लेकिन जैसे बताया लोगों को भी छोड़ा है, मैं कुछ भी नहीं हूँ लेकिन ये मेरा भी कोई सोच नहीं होती है कि मुझे कुछ किया तो उसके हमको कोई मेडल या अवार्ड या कोई बड़ी प्रशंसा हो, लेकिन एक तरह ये भी आता है कि नहीं खुशी तो मिलती है, ज़रूर मिलती है। इसमें मेरे फादर जो पीछे 2012 में गुजर गए उनका बड़ा आशीर्वाद है मेरे सर पे, वो भी बहुत ही काम करते थे, तो मैं वो लेगेसी को कंटिन्यू करना चाहता हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ इवन बिजनेस में भी और सोशल वर्क में भी। तो बस प्रेरित होकर आपस में बात हुई हमारी इनकी और सोचा मैंने दो तीन दिन जैसे रात को जब सोने के पहले या सुबह उठ के जब थोड़ा माइंड फ्री था मैंने सोच विचार के ये डिसीजन लिया, निर्णय लिया नहीं कोई बात नहीं है ऐसे करना चाहिए, हो सकता है इसी में कोई फ़ायदा हो सकता है भगवान का जो ये मर्जी है तो ऐसे करके देखें। क्योंकि बहुत इन्होंने भी और कई लोगों ने मुझसे, मेरे जो हमारे कपड़ा मार्केट के लोग हैं, मेरे फ्रंट के लोग हैं, उन्होंने भी कोई बात चलाई ऐसे, आज ये बात चल रही है 1.5-2 साल से, लेकिन आज जाके मन बना है तो मैंने बोला ये जो सबसे जो उद्घाटन या जो स्टेपिंग स्टोन है वो राजेश जी से बेहतर और कौन सा हो सकता है, तो इसके लिए मैंने हाँ कर दिया। बाकी जो होगा ठीक होगा, बहुत बहुत धन्यवाद सबका, इनका भी सबका। थैंक यू सर, थैंक यू मैम।